हेलो बच्चों, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 12 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं गॉस लॉ। तो गॉस लॉ से रिलेटेड आपके जितने भी कंफ्यूजन हैं, जितने भी डाउट हैं, अरे इनक्लोज सरफेस क्या होता है, कब लगाएं कब ना लगाएं, सारे डाउट्स आज के वीडियो में क्लियर हो जाएंगे होपफुली। और वीडियो के लास्ट में जाते जाते आपको कुछ बहुत बढ़िया क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं गॉस लॉ के ऊपर। अब कई बच्चे कमेंट करते हैं कि सर मेरे को बोर्ड का कंटेंट चाहिए, सिर्फ बोर्ड का पढ़ाई करना है मेरे को। तो बच्चों, जिनको सिर्फ बोर्ड की चीज़ें देखनी है वो वीडियो का बिगनिंग देखें, थ्योरी देखें, डेरिवेशन देखें और एक दो ईजी न्यूमेरिकल्स देख लें, उसके बाद किताब से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, लास्ट के अच्छे न्यूमेरिकल्स को छोड़ दिया करें। और जिनको भैया तैयारी करनी है NDA की, JEE की, NEET की, वो सारे क्वेश्चंस को लास्ट तक लगाएं, लास्ट में काफ़ी अच्छे सवाल मैंने करा रखे हैं। अब भैया गॉस लॉ पढ़ने के लिए आपको ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे हमने एक वीडियो कर रखा है, इसका प्रीवियस वीडियो, तो आप YouTube पे टाइप कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स फिजिक्स वाला, या हो सकता है आपने स्कूल में अपने टीचर से पढ़ रखा हो, कोचिंग में पढ़ रखा हो, या आपके किसी प्यारे से मित्र ने आपको पढ़ा रखा हो, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स आना चाहिए। सो यस, माई नेम इज़ अलक पांडे एंड दिस इज़ योर फेवरेट चैनल फिजिक्स वाला। तो कॉपी और पेन को निकाल लें और उस प्यारे से चूहे को वापस छोड़ दें जिसको आप आज लंच समझ के खाने जा रहे थे। हेडिंग लगाएंगे गॉस लॉ। हो सकता है वीडियो की क्वालिटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, लाइटनिंग थोड़ी चेंज हुई है, रूम में कुछ चेंजेस हुए हैं। तो गॉस लॉ को शुरू करने से पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको आना चाहिए। मैं आपको एक बार जल्दी से इसकी समरी बता दूं, बहुत जल्दी से क्विक। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास कोई एक एरिया है, किसी भी शेप का मेरे पास कोई एक सरफेस है, ठीक है, सरफेस है। अब इस सरफेस का एरिया वेक्टर कैसा होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, वेरी गुड, ऐसा होता है, छोटा सा एरिया है, बहुत स्मॉल, बहुत छोटा सा सरफेस है, तो इसका एरिया वेक्टर भी छोटा सा होगा, उसको हमने बोला dA वेक्टर, ठीक है, स्मॉल एरिया dA, और ये सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। मान लो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एग्जिस्ट कर रही है E, dA से थीटा एंगल पे। अब यहां पे जो फ्लक्स क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो क्रिएट होगा छोटा सा होगा, जैसे फ्लक्स का सिंबल होता है हमारा फाई, यहां छोटा सा फ्लक्स बना तो उसको हमने बोला डी फाई, है ना, छोटा सा सरफेस एरिया उससे छोटा सा फ्लक्स डी फाई। इसकी बच्चों जो वैल्यू है वो है ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है, इसको मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं पिछले लेक्चर में, आज जल्दी जल्दी ई डी ए कॉस थीटा। ये याद रखना कि जो थीटा एंगल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में है। किसके बीच में है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर बीच में है। कई लोग सरफेस से निकाल देते हैं कि सरफेस से जो एंगल बना रहा, नहीं, एरिया वेक्टर से, और एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर। अब इसको अगर देखो तो तुम्हें याद आ रहा होगा, क्लास 11 में पढ़ा है कि ई डी ए कॉस थीटा को ई डॉट डी ए भी लिख सकते हैं, डॉट प्लॉट में यही होता है ना, cos थीटा आ जाता है। तो छोटा सा फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। अगर टोटल फ्लक्स चाहिए फाई, पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो क्या करो, छोटे छोटे फ्लक्स को, छोटा छोटा बच्चे को इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेट करके आएगा इंटीग्रल ई डॉट डी ए। तो भैया ये हो गया हमारा फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है तो यहां से ई बाहर आ जाएगा कॉन्स्टेंट, और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए डी ए डी ए, ए वेक्टर आ जाएगा एरिया वेक्टर, तो ई डॉट ए। ये तब यूज करना जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, ठीक है, ये भी लगा सकते हो ई डॉट ए जब इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट हो, सरफेस पे नहीं कांस्टेंट है इंटीग्रल ई डॉट डी, भाई कांस्टेंट है तो ई बाहर आ जाएगा और डी ए डी ए डी ए डी ए डी ए जोड़ोगे तो ए वेक्टर बन जाएगा। तो ये तो हुई फ्लक्स की कहानी, आज बात करनी है गॉस लॉ पे। फ्लक्स क्लियर हो गया, ई डॉट डी ए या ई डॉट ए। आज गॉस लॉ की बात करते हैं, गॉस लॉ क्या कहता है, मिटाने जरा इसको, गॉस लॉ की डेफिनेशन लिखें, चलो यहीं पे लिख देते हैं, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बहुत प्यार समझाएंगे टेंशन मतलब, थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, अ क्लोज सरफेस मतलब कोई थ्री डायमेंशनल सरफेस हो जो कि बंद हो, 3D में हो और बंद हो, क्लोज सरफेस, इज 1/ε0 टाइम्स द
नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, यही है गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। ठीक है, तो प्यारे गॉस लॉ में या प्यारे से गॉस लॉ में, गॉस लॉ में हम पढ़ते हैं द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, बंद सरफेस होना चाहिए, डिब्बे में बंद सरफेस हो, थ्री डायमेंशनल का बंद हो, स्फीयर हो 3D में बंद, सिलेंडर हो 3D में बंद, क्यूब हो 3D में बंद, कोन हो 3D में बंद, मतलब यार सर्किल अर्किल पे मत लगा देना, 2D पे, 3D पे लगता है। ठीक है, कैसा लग रहा हूँ मैं? बढ़िया लग रहा हूँ, प्यारा लग रहा है, बहुत बढ़िया। आप सब बहुत ही गंदे लग रहे हैं, छी छी नहा के आया करो। हाँ, कमेंट में मैं बताता हूँ आपको, बताओ तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस is 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by the surface. यानी अगर एक closed surface का मैं flux निकालूं, flux of a closed surface, it will be equal to q by epsilon naught. खत्म, ये सब करना ही नहीं, integration वगैरह करना ही नहीं है, simple, चीजों को आसान कर दिया गॉस लॉ ने। बोला अगर closed surface है और उसके अंदर charge q है, this q should be the net चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, ध्यान दो, Q should be the net charge inside the closed surface upon epsilon naught. खत्म, is equals to, ऐसे भी लिख सकते हो इंटीग्रल E dot dA, ऐसे भी कई लोग लिख देते हैं भाई, फ्लक्स की ये वैल्यू भी तो है। तो कोई अगर मान लो एग्जाम में चार ऑप्शन आए कि E dot dA की वैल्यू बताओ फॉर अ क्लोज सरफेस, तो यहां पता है इसे बना देगा गोला, है ना, रिंग नहीं बना, एंगेजमेंट नहीं हुआ है उसका, एंगेजमेंट है इसका, वाई का लगाने का मतलब क्लोज्ड। तो अगर आपसे कभी ई डॉट डी ए पूछता है किसी क्लोज सरफेस का, तो कुछ मत करो, उस क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज है उसको उठा लो, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज ई डॉट डी ए फॉर अ क्लोज सरफेस, इंटीग्रेट इंटीग्रेट करने का जरूरत ही। कोई फ्लक्स पूछता है थ्रू अ क्लोज सरफेस, तो क्यू जो इतना उसके अंदर है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। वैसे फ्लक्स का जो ओरिजिनल फॉर्मूला है वो ये है, अगर फ्लक्स की कोई हमसे एकदम कहे कि फ्लक्स का सीधा साधा फॉर्मूला बताओ, ठीक है, मैथ जो कहती है, तो मैथ सिर्फ फ्लक्स के लिए सिर्फ इतना कहती है। ये कौन कहता है? हम नहीं कहते, गॉस अंकल कहते हैं, हम नहीं कहते, गॉस अंकल ऐसा कहते हैं। ठीक है, नोट करें, थोड़ा फील लाते हैं इस बात में भी, इस फील को लेकर काफी चर्चा हो गई है। कार्तिकेय पांडे इज अ वेरी गुड एंड नोन फ्रेंड ऑफ माइन, ठीक है, मेरे को भैया भैया बोलता है उसका, पर नहीं बड़ा अपन है, बट ऐसा कुछ है नहीं जो चप चल रहा है, ठीक है, बढ़िया कंटेंट बनाता है, उसने मेरे लिए कुछ बोला नहीं, लोग पता नहीं ये सब क्यों करते हैं, हमें आपको इस सबसे फर्क भी नहीं पड़ता, हम लोग तो पढ़ाई करते हैं। चले आगे बढ़े, यहाँ तक बातें क्लियर, बढ़िया से, अच्छे से, सुंदर से। अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं थ्रू एन एग्जाम्पल। चलो, फ्लक्स का फॉर्मूला ई डी ए कॉस थीटा, E dot dA, E dA cos theta. अब गॉस लॉ क्या बोल रहा है? The net electric flux through a closed surface is 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by the surface. अगर closed surface का flux निकालेंगे तो Q upon epsilon naught, where Q is the total charge inside the surface. यानी integral E dot dA की value अगर closed surface के लिए निकालें तो ये आनी चाहिए। आओ इस बात को देखते हैं, इस बात का एक प्रूफ देखते हैं। वैसे मैं तुमको सच सच बता दूं, सच सच बोलता हूं मैं, है ना, वरना मेरे को सांप काटे, कि गॉस लॉ का कोई प्रूफ नहीं है, हैं? गॉस लॉ का कोई प्रूफ नहीं है, लॉ लॉ का प्रूफ थोड़ी ना होता है, एक एग्जांपल देके हम थोड़ा फील दिला देंगे बस, गॉस लॉ का एक्चुअल में कोई प्रूफ है नहीं, ठीक है, सब बेवकूफ बनाने का तरीका है। देखो ध्यान से, हम कैसे तुमको एक प्रूफ दे देते हैं, ऐसे छोटा सा, मान लो यहां पे एक चार्ज है प्लस क्यू, टडांग, एक प्लस क्यू चार्ज ले लिया, इसको मैं इनक्लोज कर देता हूं एक स्फीयर में, टडांग, इसको मैंने एक स्फीयर में बंद कर दिया, किसमें बंद कर दिया, एक स्फीयर में। बच्चों स्फीयर 2D होता है कि 3D होता है? सर 3D होता है, 3D सरफेसेस को हम क्लोज सरफेस बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, तो क्लोज सरफेस हो गया हमारे पास। अगर मैं पूछूं इस स्फीयर में से कितना फ्लक्स बाहर आ रहा, इस स्फीयर में से कितना फ्लक्स बाहर आ रहा, सवाल, तो इस स्फीयर में से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स बाहर आएगा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, पर इसको हम मैथ से देखते हैं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं। एक काम करते हैं, यहां पे इस छोटे सी जगह को एनालाइज करते हैं। हमने बोल दिया ये छोटी सी जगह स्फीयर की, ये स्फीयर है, बना लो, मेरे जितना सुंदर स्फीयर तेरा नहीं बनेगा, हा 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 हा, ये बन गया, ठीक है। मान लो ये छोटा सा एरिया ले लिया मैंने, छोटा सा एरिया, बच्चों यहां का एरिया वेक्टर कैसा होगा? इस सरफेस के परपेंडिकुलर,
एरिया वेक्टर सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर। तो बच्चों आपको पता होगा सर्किल या स्फीयर में परपेंडिकुलर बनाओ तो वो सेंटर से पास करता है, ये बनेगा देखो छोटा सा एरिया वेक्टर dA परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस 90 डिग्री पे। ये जो सरफेस है स्फीयर का, स्फीयर फील हो रहा है, स्फीयर के सरफेस के परपेंडिकुलर dA। अच्छा इस जगह पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो कैसी होगी, सोचो, हमें तो पता है चार्ज प्लस क्यू की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी ही तो नहीं होगी? जी सर ऐसे ही होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और dA वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, यानी थीटा की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री। यानी अगर यहां पे मैं छोटा सा फ्लक्स निकालूं डी फाई स्मॉल फ्लक्स तो वो होगा ई डी ए कॉस 0, हाँ या ना, सेम डायरेक्शन में, कॉस 0 की वैल्यू हो गई 1 तो ई इंटू डी ए। ऐसे ही मैं एक छोटा सा सरफेस यहाँ पे ले लेगा, इसका भी एरिया वेक्टर ऐसे डी ए बन लेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जम ऐसे ई हो जाएगी। अब यहां पे एक बात आती है कि क्या यहां के इलेक्ट्रिक फील्ड को भी ई लिखा जा सकता है, क्योंकि यहां वाले को ई लिखा है। तो मान लो ये स्फीयर है, तो मान लो इसका रेडियस है आर, तो ये भी आर ये भी आर, क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, ई इज इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। मान के चल रहे हैं सारी कहानी एयर या वैक्यूम में है, आज के लेक्चर में सारी कहानी किसमें होगी, एयर या वैक्यूम में होगी। सो 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, यहां पे होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, और यहां पे होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड भी 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। यानी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो दोनों का नाम ई दे सकते हैं। यहां पे एंगल कितना है 0 डिग्री, यानी यहां का फ्लक्स भी क्या बनेगा, अगर इस जगह का मैं भी डी फाई निकाले तो ई डी ए कॉस 0 आया, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, इसकी वजह से ये भी बन गया ई डी ए। इस प्रकार से यदि मैं यहां पे, यदि मैं यहां पे, यदि मैं यहां पे, यदि मैं यहां पे, जगह जगह पे मैं डी ए वेक्टर को काटूं, डी ए E इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा इज इक्वल्स टू 0, सेम ओवर हियर, टक 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 dA, टक 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 इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा इज इक्वल्स टू 0, हाँ या ना भाई। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पे भी 1/4πε0 क्यूब आया, हर जगह से। यानी अगर मुझे टोटल फ्लक्स चाहिए तो मैं इस डी फाई को इंटीग्रेट कर दे, कैसे, क्लोज्ड फॉर दिस स्फीयर, फॉर क्लोज सरफेस, बोलो हाँ या ना। देखो जो इंटीग्रेशन होगा वो सिर्फ सरफेस पे होगा, मैं उड़ जाता हूं, ये जो इंटीग्रेशन होगा वो सिर्फ सरफेस पे होगा। फील पकड़ो गॉस लॉ का कि इंटीग्रेशन सिर्फ वो सिर्फ सरफेस पे करना है, अंदर घुस के वॉल्यूम पे मत करना, सिर्फ वो सिर्फ सरफेस का इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए का, यानी इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रल ई डी ए फॉर दिस स्फीयर, यस और नो? यस सर। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं E को बाहर निकाल सकता हूं? बिल्कुल, क्योंकि E हर जगह सेम है सरफेस पे, यहां 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 हर जगह E की वैल्यू यही आनी है, तो E को मैंने बाहर निकाल लिया, बचा इंटीग्रेशन ऑफ dA, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ dA, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ dA, इस dA इस dA इस dA इस dA 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 को अगर जोड़ोगे तो क्या आएगा, dA 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 को जोड़ो क्या होगा, खुद सारा dA है, dA 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 जोड़ोगे टोटल एरिया आ जाएगा, सरफेस एरिया, कुछ 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 3D में, not in 2D, 3, कुछ 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 सारे dA को जोड़ा तो टोटल सरफेस एरिया आया, यानी इंटीग्रेशन ऑफ ऑल dA फॉर दिस स्फीयर विल बी इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विच इज 4πr² स्वाहा। तो इसको हम लिख सकते हैं phi इज इक्वल्स टू e मल्टीप्लाइड बाई 4πr², यस और नो? भाई सारा एरिया इंटीग्रेट करोगे तो यही तो आएगा। अच्छा e की वैल्यू बोलो, बोलो रे बोलो E की वैल्यू बोलो, इसको ऐसे लिख लें पहले सुंदर सुंदर सा, E into A है ना, dA 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 को इंटीग्रेट करके हम बोल देते हैं टोटल सरफेस एरिया A विच इज इक्वल टू 4πr², बस मेरा मन सुंदर लग रहा है देखने में। E की वैल्यू 1/4πε0 टोटल एरिया, ये बोल दिया एरिया की वैल्यू, पहले E की वैल्यू 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर, सही है। A की वैल्यू 4πr², फोर पाई से फोर पाई मर गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर मर गया, टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, जो हमने चाहा वो हमने पाया, सही है। द टोटल फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज्ड स्फीयर, ध्यान दें क्लोज्ड वर्ड पे ध्यान दें, थ्रू दिस क्लोज्ड स्फीयर इज इक्वल्स टू नेट चार्ज इनसाइड द स्फीयर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज ओनली गॉस लॉ, दिस इज ओनली गॉस लॉ। See,
स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट गॉस लॉ, ये मैथ्स है। फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला मैथ्स है, ई डॉट डी ए, ई डी ए कॉस थीटा, दैट इज नॉट गॉस लॉ। डी फाई कोई निकालने को बोलता है तो आप बोलोगे ई डी ए कॉस थीटा, ये मैथ्स है और ये गॉस लॉ है, शॉर्टकट। क्या रे ये सब क्यों कर रहा है, सीधा गॉस लॉ ने बोला क्या रे क्या ये सब, अच्छा है ना, गॉस अंकल से बोला अंकल इंटी, अरे ना शॉर्टकट बताया, ठीक है। तो गॉस अंकल ने हमको एक बहुत प्यारा सा शॉर्टकट बताया कि फ्लक्स निकालने के लिए इधर उधर मत भागो, फ्लक्स के लिए चार्ज को देखो, पकड़ लो, क्लोज्ड है, हाँ भाई इसके अंदर चार्ज क्यू, तो खत्म, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। मस्त तरीका है, कुछ नहीं चाहिए, स्फीयर का डायमेंशन क्या है कोई मतलब नहीं, यहाँ कुछ डायमेंशन से फर्क पड़ रहा है, रेडियस रेडियस आ रहा है नहीं आ रहा, नहीं बिलीव कर रहे। मान लो मैं इसका रेडियस 2r ले लेता, समझो अब ये इंपॉर्टेंट बात, गॉस लॉ को इसके साइज से कोई लेना देना नहीं, उन्होंने क्या बोल रखा था, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस। सरफेस कितना बड़ा है बोला, बोला अगर नेट फ्लक्स क्लोज सरफेस निकालना है तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर क्यू इज द चार्ज इनसाइड। अगर मैं इसका रेडियस 2r लूं, ध्यान से सुनो, अगर मैं इसका रेडियस 2r लूं, यहां पे दिखाता हूं, अगर मैं रेडियस 2r लूं तो भाई ये सब तो सेम रहेगा, है ना, e बाहर आ जाएगा, e हर जगह कांस्टेंट होगा, e डॉट है, e की वैल्यू होगी 1/4πε0 क्यू अपॉन 2r का स्क्वायर। अरे भैया रेडियस 2r हो जाएगा तो चार्ज से सरफेस का डिस्टेंस 2r, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे 2r का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एरिया हो जाएगा 4π2r का स्क्वायर, यस और नो? अगर इसका रेडियस 2r हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 1/4πε0 क्यू बाय 2r का स्क्वायर, और भैया टोटल एरिया हो जाएगा 4π2r का स्क्वायर। यहां देखो 2r² कैंसिल, 4π कैंसिल, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। रेडियस r हो 2r हो, x ले लो तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 क्यू बाय एक्स स्क्वायर, और टोटल एरिया हो जाएगा, अगर x रेडियस है तो एरिया क्या होगा, 4πx², तो x² कैंसिल। अब बात समझे, साइज ऑफ 3D सरफेस से फ्लक्स का कोई लेना देना नहीं, कितनी बड़ी बात बता दी गॉस अंकल ने, लिखा जाए इसको कहीं, अब इतनी बड़ी बात छोड़ दोगे क्या, यहां लिख दूं मैं, साइज से इसका कोई लेना देना नहीं, साइज ऑफ क्लोज्ड सरफेस डू नॉट अफेक्ट नेट फ्लक्स। नेट फ्लक्स को सिर्फ किससे मतलब है, क्यू इनसाइड से, यही गॉस लॉ है, ना ही साइज से फर्क पड़ता है ना ही शेप से फर्क पड़ता है, ना ही साइज से ना ही शेप से, शेप से भी नहीं पड़ता, कहीं डेफिनेशन में शेप है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये गॉस ने नहीं कहा, ये मैं कह रहा हूं, ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जो Q चार्ज होता है ना, अगर एक पॉइंट चार्ज Q है ना, तो उसमें से Q by epsilon not फ्लक्स निकलता है। ये भी बड़ी सही अप्रोच है कि Q चार्ज में से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, Q by epsilon not, तो भाई Q by epsilon not इस स्फीयर से बाहर आया तो फ्लक्स Q by epsilon not। ये भी एक फील है कि Q चार्ज से कितना, इसको लिख लो, Q चार्ज से, इसको हिंदी में, Q चार्ज से Q by epsilon not फ्लक्स निकलता है, पॉइंट चार्ज Q होना चाहिए, जैसे ये लीनियर चार्ज डेंसिटी उन सब से नहीं, Q चार्ज से Q by epsilon not फ्लक्स निकलता है। अब देखो जरा, अब तुम देखो जरा इसका फायदा, Q चार्ज से, अगर नोट नहीं किया तो पीछे आके नोट कर लो, Q चार्ज से Q by epsilon not फ्लक्स निकलता है। जरा देखो, मान लो यहां Q चार्ज लिया, पहला स्फीयर लिया R रेडियस का, दूसरा स्फीयर लिया 2R रेडियस का, तीसरा स्फीयर लिया 3R रेडियस का। मैंने क्या बोला, साइज ऑफ क्लोज सरफेस डू नॉट अफेक्ट नेट फ्लक्स। मैंने दिखा भी दिया कि यहां पे भैया अगर रेडियस R होगा तो यहां पे R का स्क्वायर, 2R होगा तो यहां 2R का स्क्वायर, यहां भी 2R का स्क्वायर, भैया 2R होगा तो चार्ज से ये 2R दूर भी तो हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 क्यू बाय 2R का स्क्वायर, और इसका एरिया 4π2R का स्क्वायर, तो कैंसिल। अब इसको जरा ऐसे समझो, क्यू चार्ज से कितना फ्लक्स निकलता है,
क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो भैया इससे फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट निकला, तो वही तो इससे पास किया, वही इससे पास किया, वही इससे पास किया, समझो। मान लो यहां से कुछ फ्लक्स निकला, तो वही फ्लक्स तो तीनों स्फीयर से पास कर रहा है कि नहीं है। क्यू चार से कितना फ्लक्स निकला, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, कहां जाएगा, इससे बाहर आया, वही फ्लक्स इससे बाहर आया, वही फ्लक्स बाहर वाले से बाहर आया। अब फील हो गया, क्यू चार्ज से कितना फ्लक्स बाहर निकलता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यहां से निकला ऐसे, पहले स्फीयर से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, दूसरे से भी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तीसरे से भी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, जो निकला वही तो बाहर आएगा। यानी नेट फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन साइज ऑफ क्लोज सरफेस, आर रेडियस लू, टू आर लू, थ्री आर लू, इससे इसको फर्क नहीं पड़ेगा, सबसे फ्लक्स सेम निकला, क्लियर है ना। यहां से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट निकला, वही इससे बाहर आया, वही इससे बाहर आया, वही इससे बाहर आया। सो द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, आई रिपीट, थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इसमें पता है शेप का भी लेना देना नहीं है, इसको मिटा लूं मैं, शुक्रिया, शेप का भी लेना देना नहीं है, शेप का भी लेना देना नहीं है। जैसे मैं कहूं कि एक क्यूब के अंदर, क्यू चार्ज रखा है, या एक सिलेंडर के अंदर क्यू चार्ज रखा है, या एक कोन के अंदर, अंदर इनसाइड होना कंडीशन है, सरफेस में मत रखना, बाहर मत रखना, इनसाइड। अगर इनके अंदर क्यू चार्ज है तो इस पूरे क्यूब से जो नेट फ्लक्स बाहर आना है दैट विल बी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। जरूरत ही नहीं है कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो पहले, फिर यहां पे डीए वेक्टर देखो, फिर इंटीग्रेट करो, जरूरत ही नहीं है सब करने की, खत्म, सीधा आंसर। यहां पे नेट फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज्ड सिलेंडर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, नेट फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज्ड कोन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। व्हाई, क्योंकि Q चार्ज से कितना फ्लक्स बाहर निकलता है, Q by epsilon naught, twin, Q by epsilon naught निकलेगा इसमें से फ्लक्स, यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से सब मिला के Q by epsilon naught, यहां से 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 सब मिला के Q by epsilon naught। फील आ गया अब आपको, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज ऑफ सरफेस एंड ऑन साइज ऑफ क्लोज सरफेस एंड शेप of closed surface do not affect net flux। याद रहेगा, किसी enclosed surface में अगर q charge है तो flux q by epsilon naught। थोड़ा सा symmetry मिट्री की कहानी होती है, उसको आगे समझेंगे, अभी इतना समझ में आया कि अगर 3D closed surface है तो उसमें से बाहर निकलने वाला net flux होता है q by epsilon naught, where q is the charge inside the surface। मिटा दूं मैं, मिटा दूं, समझ में आ गया लॉ। इस लॉ का कोई प्रूफ नहीं हो सकता, ठीक है, ये तो एक तरीका था, मैंने फील करा दिया, इसका कोई प्रूफ नहीं है। एग्जाम में कहे प्रूफ गॉस लॉ, बोलो हम नहीं कर सकते, गॉस लॉ ने उसको एक्सपेरिमेंटल है, ये कैसा पूछ लिया आपने एग्जामिनर जी। जैसे देखो कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं इस पे, है ना, आ जाओ, कुछ इंपॉर्टेंट बातें, इंपॉर्टेंट बातें, जब ये लिखोगे phi इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक चीज तो याद रखना कि ये क्लोज्ड होना चाहिए, क्लोज सरफेस, ठीक है, इसको हम गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं। अरे गॉसियन सरफेस का कोई डेफिनेशन नहीं है, थ्री डी सरफेस हो और जो कि क्लोज्ड हो, बस यही है, उसको हम गॉसियन, जैसे स्फीयर था गॉसियन सरफेस, कोन है गॉसियन सरफेस, थ्री डी और क्लोज्ड हो। और ये जो q है दिस इज ओनली नेट चार्ज इनसाइड, बाहर के चार्जेस से कोई मतलब नहीं है। देखो दो बातें करते हैं इसमें, पहली बात मान लो यहां पे हमको कोई एक 3D फिगर दी है, यहां मान लो एक चार्ज q बाहर है और अंदर कोई चार्ज नहीं है, हमसे पूछा इसमें से नेट फ्लक्स कितना निकलेगा, बताओ बताओ इसमें से नेट फ्लक्स कितना निकलेगा, आंसर होगा जीरो। बाई डेफिनेशन क्या बोलती है, द नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर क्यू इज द नेट चार्ज इनसाइड, यहां अंदर कोई चार्ज ही नहीं है।
अगर किसी क्लोज 3D सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है तो उसमें से निकलने वाला नेट फ्लक्स जीरो। इसका जरा फील लेते हैं। तुम कहोगे सर क्या इस चार्ज की वजह से फ्लक्स नहीं बनेगा, बिकॉज दिस इज क्यू आउटसाइड। देखो अगर यहां से मैं ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना दूं ऐसे ही बनेगी, एक और बना लो, चलो एक और बना लो, चलो तुम्हारी मर्जी ऐसे बनेगी। मैं तुमको फील कराता हूं क्यों नहीं फ्लक्स बन पा रहा। एक ये एरिया हुआ सरफेस का, एक ये, अंदर जाके तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ सरफेस पे देखना है फ्लक्स, सरफेस पे, अंदर मत घुसना। अच्छा यहां का एरिया वेक्टर कैसा होगा? 3D का जो एरिया होता है वो आउटवर्ड नॉर्मल होता है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लेक्चर में बताया था मैंने, यहाँ नहीं। 3D का जो एरिया होता है, एरिया वेक्टर, एक तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है और आउटवर्ड नॉर्मल लिया जाता है। मतलब यहाँ एरिया वेक्टर ऐसे बनेगा dA, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है E। यहाँ पे देखो एरिया वेक्टर आउटवर्ड, मतलब 3D से बाहर आउटवर्ड dA और E भी इधर। ध्यान से देखो यहाँ का फ्लक्स नेगेटिव होगा, E और D अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ का फ्लक्स पॉजिटिव होगा, कैंसिल होके जीरो हो गया। सेम कहानी यहाँ पे लगेगी, यहाँ पे सेम कहानी, यहाँ पे, यहाँ पे। जैसे इसको मैं फर्स्ट पॉइंट कह दूँ, इसको मैं सेकंड पॉइंट कह दूँ, तो फ्लक्स ऑफ फर्स्ट विल बी ई डी ए कॉस 180। भाई एरिया वेक्टर एक तो परपेंडिकुलर हो और आउटवर्ड नॉर्मल हो बाहर की तरफ, तो ई डी ए कॉस 180 इज माइनस 1, तो माइनस ई डी ए लग गया। और फ्लक्स थ्रू सेकेंड सरफेस, यहाँ ई डी ए सेम डायरेक्शन में, ई डी ए कॉस 0, सो इट विल बी ई डी ए प्लस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग रहेगी तो एरिया वेक्टर भी अलग रहेगा, वो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स है। मैं ये नहीं कह रहा इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, इसको आप मिटा दो, ठीक है। यहाँ ई वन ई टू कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो फ्लक्स आ रहा है वो कुछ नेगेटिव, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव, और जब नेट फ्लक्स गॉस अंकल ने निकाला तो आया जीरो। एक फील्ड दिया मैंने इसका, इसकी कोई कैलकुलेशन हम आपको नहीं दिखा सकते, इम्पॉसिबल इसका हम आपको कैलकुलेशन, एक मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी चला जाएगा जो हमारे सिलेबस से काफ़ी ऊपर है। आपको ये याद रखना है कि अगर चार्ज बाहर है तो उसकी वजह से कोई फ्लक्स जनरेट नहीं हो सकता, क्योंकि लेफ्ट साइड पे जो फ्लक्स बन रहा है वो नेगेटिव, राइट साइड पे पॉजिटिव। सेम यहाँ कहानी, सेम यहाँ, ठीक है। दूसरी बात, मान लो ऐसा कुछ बना के दे, ध्यान से सुनते जाओ। मान लो यहाँ बोले Q1 चार्ज, यहाँ बोले Q2 चार्ज, यहाँ बोले Q3 चार्ज। अब हमसे बोले फ्लक्स बताओ, तो आप बोलोगे जो फ्लक्स होगा साहब वो होगा क्यू इनसाइड, यानी Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, विद साइन लेना, अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो माइनस भी कर देना। तो क्या इसकी वजह से कोई फ्लक्स नहीं बनेगा? बिल्कुल नहीं, फ्लक्स इज ओनली ड्यू टू चार्ज इनसाइड द सर्फेस। लिखो इतना, फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात और डिस्कस करते हैं। इतना लिखो पहले, लिख लिया, पॉज करके नोट कर लो, नोट कर लिया। सीधी सपाट जिंदगी बवाल हो गई, क्यों लिया रे साइंस, सीधी सपाट जिंदगी बवाल हो गई, नोट करें ये बात फिर बताएं। हाँ, यहां पे जो चार्ज रखते हैं सिर्फ इनसाइड वाला रखते हैं, ये फ्लक्स है टोटल फ्रॉम अ क्लोज सरफेस। बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके मन में बात बैठ जाए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे ई, यहां पे ई, यहां पे ई, ई चेंज होगी डेफिनेटली, सरफेस पे अलग अलग जगह अलग अलग होगी। ये जो जब ई डॉट डी ए करोगे, है ना, फॉर एग्जांपल यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी, ऐसे मान लिया एरिया वेक्टर ऐसा, ये जो ई डॉट डी ए करोगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस चार्ज की वजह से, ये सवाल बड़ा अच्छा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 Q2 की वजह से या Q1 Q2 Q3 की वजह से है? बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों, ध्यान रखना कि इस एक्सप्रेशन, ध्यान रखना जो इलेक्ट्रिक फील्ड रखी है, इट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस। खूबसूरती है इस लॉ की, चाहे वो इनसाइड वाले चार्ज हो चाहे वो आउटसाइड, मतलब बड़ी कमाल की बात है कि जब हम कैलकुलेशन करेंगे, जो कि हम करेंगे नहीं, हमको तो लॉ पता है, यदि हम कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इन दोनों की चार्ज की नहीं रखते, हमें इसकी 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 मिला के जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट की जगह कहो तो मैं ये लिख दूँ, फील और आ जाएगा आपको, कौन सी रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पे रखी गई है। फिर से ध्यान देने वाली बात है, चार्ज सिर्फ अंदर वाला होता है, पर अगर तुम मैथमेटिक्स से निकालना चाहोगे
भाई फ्लक्स निकालने का तरीका क्या है? अगर गॉस लॉ किसी को नहीं पता तो उसके पास फ्लक्स निकालने का तरीका क्या है कि मैथ्स लगाए ई डॉट डी ए करे। जब वो ई डॉट डी ए करेगा तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे तीनों चार्जेस की वजह से निकाल के उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। खूबसूरती है लॉ की, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड, बट फ्लक्स इज ओनली ड्यू टू इनसाइड चार्जेस, फ्लक्स इज ड्यू टू ओनली इनसाइड चार्जेस, बट फ्लक्स की कैलकुलेशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस। खूबसूरती है लॉ की, नोट कर लें ठीक है। एक घटिया सवाल लिख लो, कैसा सवाल? घटिया सा, घटिया क्वालिटी का। मान लो हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, उसके अंदर एक डाइपोल रखा है, पूछा बताओ कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी, तुम्हें नागिन की कसम, जीरो, हाँ या ना? अरे भाई डाइपोल है तो अंदर जितना प्लस क्यू चार्ज होगा अंदर उतना माइनस क्यू चार्ज होगा, डाइपोल पता है ना, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सपोर्टेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, तो प्लस क्यू माइनस क्यू, नेट चार्ज इनसाइड इज जीरो, तो फ्लक्स इज जीरो। घटिया सवाल का घटिया आंसर, मिटा दें। चलिए इंपॉर्टेंट बात समझो, मिटा दें, बहुत बढ़िया। सनम रे गॉस फ्लक्स व समझ आया रे, सनम रे गॉस लॉ भी समझ आया रे। अच्छा अब देखो, गॉस लॉ ऐसा नहीं कि कहीं भी जाके लगा दिया है, तुमको गॉस लॉ पढ़ा दिया, तुम गए घर के बाहर, गए चूहे से बोले हम तुम पे गॉस लॉ लगा देंगे, ऐसा नहीं कहीं पे भी लगा दिया। थोड़ा सा ना गॉस लॉ में थोड़ा सा ना, मतलब जैसे एक बड़ी अच्छी किताब है ग्रिफिथ की है, वो आपके सिलेबस की नहीं है, ठीक है फॉरेन ऑथर है, अंग्रेज है, तो ग्रिफिथ जी बड़ी प्यारी सी बात लिखते हैं, बहुत प्यारी सी, गॉस लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल बट नॉट ऑलवेज यूजफुल। एप्लीकेबल हर जगह है पर यूजफुल नहीं है, मतलब लगाना मुश्किल हो जाता है, लगा तो सकते हैं पर यूजफुल नहीं है, मेहनत ज्यादा हो जाएगी। ये लाइन लिख लो, यहीं से स्टार्ट करते हैं, ग्रिफिथ जी की लॉ, गॉस लॉ इज ऑलवेज, ये याद रखना, अगर टीचर तुमसे बोलते हैं ऑलवेज एप्लीकेबल नहीं तो गलत बोल रहा है, इज ऑलवेज एप्लीकेबल, ऐसा नहीं है एप्लीकेबल नहीं है, ऑलवेज एप्लीकेबल बट नॉट, बट Not always useful. अंग्रेजी में कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना, but not always useful. मेरे को इंग्लैंड गए हुए 3-4 साल हो गए, पहले मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी, क्वीन विक्टोरिया ने मुझको अंग्रेजी सिखाई थी। बकवास कर लो सर, आप पढ़ाना नहीं आपको। तो गॉस लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल बट नॉट ऑलवेज यूजफुल, वट डज दिस लाइन मीन्स? इसके लिए आप 3-4 लाइन लिखो। देखो तुम्हें क्या करना है, अपने सिलेबस में कहीं पर भी गॉस लॉ अप्लाई मत करना, जब तक आपका टीचर आपसे ना बोले यहाँ गॉस लॉ लगाना है तब तक मत लगाओ, या तो आप सवाल उस तरह के ना कर चुके हो, कहीं भी मत लगाना, समझाते हैं। इसकी मैथमेटिक्स बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, हमने जितने भी चार्ज लिया आपने देखा होगा सेंटर पे रखे, अभी तक स्फीयर के सेंटर पे, क्यूब के सेंटर पे, है ना, कुछ इधर उधर भी करेंगे पर ज्यादा केस नहीं ले पाएंगे। देखो समझो, द चार्ज शुड बी, ऐसे लिख लो, द गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस समझ रहे हो, क्लोज सरफेस, द गॉसियन सरफेस, इसको कई किताब में से दिया रहता है, कंडीशंस फॉर अप्लाइंग गॉस लॉ, कंडीशंस फॉर गॉसियन सरफेस, कोई कंडीशन है नहीं, पहली लाइन पढ़ लो, गॉस लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल, कंडीशन नहीं है, बस हमारी भलाई के लिए कहा जाता है कि ऐसा ना करो, ठीक है, कंडीशन कुछ नहीं है, पर किताब में लिखा रहता है कंडीशंस, अब पता नहीं बोर्ड में आ जाए तो लिख लो तुम भी, कंडीशंस फॉर अप्लाइंग गॉस लॉ, कंडीशंस फॉर गॉसियन सरफेस, यही है। देखो द गॉसियन सरफेस should be symmetric, symmetry का बड़ा खेल रहेगा यहाँ, about charge या charge distribution, आगे charge distribution भी हमें tackle करना है अगले lecture में, इस lecture में नहीं, the Gaussian surface should be symmetric about charge या charge distribution, symmetric हो उसके अबाउट। Second point, very important, अगला point, the electric field must be symmetric, अब symmetric का equal लिखा होता है किताबों में, equal या constant या same, छी इतना गंदा, same at all points of
गॉसियन सरफेस। अब ये नहीं कह रहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलग हो सकती है, हो सकती है, मैं नहीं कह रहा नहीं हो सकती, हो सकती, हो सकती है, बट मैथमेटिक्स अच्छी रहे इसलिए मस्ट लगा दिया है ना, हमें ये नहीं कह रहा। एल्स वाइज ऑल्सो गॉस लॉ इज वैलिड, बट अगेन बट नॉट यूजफुल। मैथ्स इसकी टफ हो जाएगी, फिर हमारे लेवल का नहीं होगा, हम सॉल्व नहीं कर, फायदा क्या? सच्चाई है बट कर नहीं पाएंगे, होगा नहीं, फायदा क्या? थर्ड नंबर है। अच्छा तीसरी बात, एक तो ये बात समझ में आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, द थीटा यानी एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर मस्ट बी सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द सरफेस। सरफेस के हर जगह पे थीटा की वैल्यू सेम हो, थीटा लगातार चेंज ना हो, ऐसा ना हो कहीं थीटा ज्यादा है कहीं कम, हर जगह, जैसे पिछले आपने स्फीयर वाला सवाल जो देखा या जो एग्जांपल देखा, थीटा हर जगह 0 0 0। और बेसिकली पता है थीटा की दो ही वैल्यू दिखती हैं, या तो 0 या तो 90, हमारे सिलेबस में कॉन्स्टेंट होना चाहिए, हो सकता हो 30 हो तो हर जगह 30 30 हो, 60 हो तो हर जगह 60 60 हो, मतलब एंगल भी चेंज ना हो तो आसान हो जाता है गॉस लॉ लगाना, वही यूजफुल होता है। अदरवाइज गॉस लॉ इज वैलिड बट नॉट यूजफुल, हम नहीं कहते, ग्रिफिथ जी कहते हैं। चौथी बात, गॉसियन सरफेस मस्ट नॉट पास थ्रू एनी पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज को गॉसियन सरफेस क्रॉस ना करे, इनक्लोज करे, क्रॉस ना करे। क्या मतलब सर, कोई 3D कभी भी चार्ज को क्रॉस ना करे, कोई 3D कर ले, गॉसियन सरफेस ना करे, गॉसियन सरफेस अलग चीज है, बनाते हैं जो हम सोचते हैं, इमेजिनरी है गॉसियन सरफेस, होता नहीं है ना, जो गॉसियन सरफेस आप ले रहे हो वो कभी चार्ज को ऐसे काटता हुआ ना जा रहा हो, चार्ज उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है, बात समझ लो। हम सवाल ऐसा भी देंगे कि ये क्यों चार्ज लेंगे, बात समझ लो पहले, क्यों चार्ज लेंगे और हम बोलेंगे कि चलो अब बताओ फ्लक्स थ्रू दिस चार्ज थ्रू दिस कोन, हम ये भी सवाल कराएंगे आज का, बड़ा अच्छा सवाल होगा कि इस कोन से कितना फ्लक्स है, पर ये कोन गॉसियन सरफेस, 3D सरफेस है पर ये गॉसियन नहीं रहा क्योंकि इसने चार्ज को काट दिया। तो कुछ बातें हैं, पहली चीज अगर चार्ज है तो उसके अबाउट सिमेट्रिक रहना चाहिए, दूसरी चीज इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सिमेट्रिक हो, इक्वल हो, कॉन्स्टेंट हो, सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, वैल्यू सेम हो, नहीं भी होती है तो वैलिड है बट यूजफुल नहीं है, तीसरी चीज थीटा हर जगह सेम हो, या तो 0 हो या तो 90 हो, एंगल चेंज ना हो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया, और चौथा गॉसियन सरफेस मस्ट नॉट पास थ्रू एनी पॉइंट चार्ज, चार कंडीशन आपकी गॉस लॉ की लगती है, ठीक है, मैंने बता दिया कंडीशन नहीं होती, सच्चाई में बता चुका हूं, पर एग्जाम में के आएगा कि कंडीशन बताओ तो आप आ जाओगे कि सर आपने तो बताया नहीं, आपने अभी भी कई लोग आएंगे कहेंगे आपने नोट्स में लिखवाया नहीं, मिटा रूं। चलिए अब समय आ गया है कि हम अपने प्यार का इजहार करें, तो हम सब गुलाब का फूल नहीं, अच्छा तुम्हें फिजिक्स क्लास में, ओ सॉरी, तो अब समय आ गया है कि अब हम एग्जांपल्स को सॉल्व करें। कई लोग तैयार हो गए थे, यह गुलाब का फूल मम्मी 10 रुपये दो, सर आपको कैसे पता गुलाब का फूल 10 रुपये का आता है, ओह माय गॉड सर छी। ओके सवाल, बहुत प्यारा सवाल देने जा रहे हैं, बहुत प्यारा मतलब इतना सुंदर है, अरे वाह। मान लो ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर की एक्चुअल हाइट 2L है या L है, और ये L by 2 length मतलब हाफ सिलेंडर है, इसके सरफेस पे यहां पे Q चार्ज रखा है, सवाल पूछा है फाइंड द फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है बार बार नहीं बोलूंगा, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम दिस सेमी सिलेंडर, चार्ज यहां रखा है इसके सरफेस पे, बताएं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करेंगे नहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार। देखो गॉस लॉ ने क्या कहा कि मतलब इन कंडीशन में पढ़ा कि थोड़ा बहुत सिमेट्री होनी चाहिए ना, थोड़ा सा मतलब सुंदर लगता है, यहां से तो क्लोज है, ठीक है इधर से ये क्लोज है, अब बताओ ये यहां पे ओपन है, तो बोलते थोड़ी सिमेट्री रखो थोड़ा भाई, तो हमने क्या कहा एक काम करते हैं इमेजिनरी पूरा सिलेंडर कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना, क्या किया इमेजिनरी पूरा सिलेंडर कंप्लीट कर लिया, बहुत बढ़िया सर।
अब एक बात बताओ, इसमें से टोटल फ्लक्स, अगर ये सिलेंडर पूरा कंप्लीट हो गया तो ये क्लोज्ड हो गया, तो फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सिलेंडर कितना हो जाएगा बच्चों? बहुत आसान है सर, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, सही है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर पूरे में से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है तो फ्लक्स थ्रू सेमी सिलेंडर कितना होगा? बहुत आसान है, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है, पूरे में से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको ऐसे भी समझ लो, मैंने बोला था चार्ज क्यू में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसमें से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स बाहर निकल रहा है। इसमें से q by epsilon not flux बाहर निकल रहा है, तो q by 2 epsilon not ऊपर से, q by 2 epsilon not नीचे से, final answer flux through this semi cylinder, चाहे Gauss law से समझो, चाहे इस कहानी से जो मैंने last बताया उससे समझो, q by 2 epsilon not, symmetry बना ली मैंने, symmetry बना ली मैंने, q by epsilon not निकल रहा था, आधा ऊपर से आधा नीचे, जैसे इसी के बेस के ऊपर ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, ये भी किताबों में दे रखा है, जैसे मान लो इच्छी जैसे मान लो ये हमने हेमीस्फीयर बना लिया और यहां पे चार्ज क्यू रख दिया, पूछा व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस हेमीस्फीयर, बताओ अब तो सब कर लेंगे क्या, कि अगर स्फीयर कंप्लीट होता तो फ्लक्स थ्रू स्फीयर आता क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो हेमीस्फीयर में क्या हो जाएगा, क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट, भाई इसमें से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट का फ्लक्स निकलना था तो क्लोज में से निकलता q by epsilon not, अब ये ओपन कर दिया आधा कट गया तो q by 2 epsilon not, सीधा इससे नहीं बोल सकते। देखो एक चीज है कि गॉस लॉ सिर्फ और सिर्फ क्लोज सरफेस पे लग सकता है, इसीलिए पहले मैंने ऊपर से इसको ऐसे करके क्लोज किया, इसको मैंने पूरा बना के क्लोज किया, क्लोज करने पे हमें पता चला कि नेट फ्लक्स q by epsilon not, फिर हमने सिमेट्री देखी कि चार्ज बीच में है तो आधा फ्लक्स ऊपर से निकल रहा होगा आधा फ्लक्स नीचे से निकल रहा होगा, बोलो क्लियर है। जैसे इसी सिमेट्री के बेसिस पे एक अच्छा सवाल ले लेते हैं, सब एच सी वर्मा दिए हुए सवाल है, मान लो यहाँ पे एक स्क्वायर प्लेट रखी है, सपोज देर इज अ स्क्वायर प्लेट ओवर हियर जिसकी साइड है ए ए ए ए, ठीक है चौथी भी ए होगी, ठीक है टेंशन नहीं, इस प्लेट से ए बाई टू डिस्टेंस ऊपर एक चार्ज क्यू रखा है, बढ़िया सवाल, इस प्लेट से ए बाई टू ऊपर एक चार्ज क्यू रखा है, पूछा है फाइंड द फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू क्यू फ्रॉम दिस प्लेट, चलो ये आप अपने आप करके दिखाओ, सोच के सोचेंगे तुम्हें प्यार करेंगे नहीं, टाणा सोचेंगे तुम्हें प्यार, हो गया हो गया हो गया सर जी, तो भाई साहब क्या किया होगा, सबसे पहले इसको क्लोज सरफेस बनाओ, अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूँ और इसको प्यार से करने की कोशिश करूँ तो इसको मैं मिटा दूँ पहले तो यहाँ से, छिछी 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 छिछी, देखो हमें जो स्क्वायर प्लेट दी थी ऐसे टोंग 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 टोंग, पहले इससे क्यूब कंप्लीट कर लें, हम एक 3D सरफेस बना लें, टोंग 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 टोंग, अब ये साइड ए ए ए ए, इससे कितना ऊपर बोला था, ए बाई टू डिस्टेंस ऊपर क्यू चार्ज बोला था, यानी ये क्यू चार्ज सेंटर पे है, यस और नो भाई साहब, हमसे बोला ए बाई टू डिस्टेंस ऊपर, ए बाई टू ऊपर मतलब ए बाई टू नीचे भी तो हुआ, तो इसका मतलब ये सेंटर पे पड़ा हुआ है, अगर ये सेंटर पे पड़ा है तो पूरे क्यूब में से कितना फ्लक्स बाहर आएगा, फ्लक्स थ्रू होल क्यूब विल बी क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, और हमसे फ्लक्स पूछ रहा था एक प्लेट से, जरा उस प्लेट को बाहर निकालो, खींच के उसके बाहर निकालो रे, हाँ ये आइडिया ये है सर, यह प्लेट रही, अब बताएं, अब बच्चों यहां से बोला ये क्यूब चार्ज है ना ए बाई टू डिस्टेंस पर, तो देखो क्यूब के कितने फेस होते हैं, क्यूब के छह फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 एक छूट गया, 1 2 3 4 5 6 छह, तो एक फेज में से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, कितना निकलेगा फ्लक्स थ्रू ईच फेस, कितना हो गया क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, बट ये आप सिर्फ सिमेट्री से कह रहे हो, इसमें एक बात और सुन लें आप, अगर ये चार्ज ए बाई टू डिस्टेंस ऊपर नहीं रखा होता तब इसमें से q by 6 epsilon not इतना सही नहीं था, देखो यहां सिमेट्री दिख रही है, जितना फ्लक्स यहां से बाहर जाएगा उतना ही फ्लक्स यहां से, क्योंकि सिमेट्रिकली बीच में q by epsilon not फ्लक्स निकला और छह डायरेक्शन में फैल गया, छह फेसेस में, तो एक फेस से निकला q बटे
6 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, मिटा रहे? चलिए कुछ और सवाल देखते हैं, ठीक है। बोर्ड वोर्ड में यहीं तक के लेवल के सवाल आते हैं बस, ठीक है ठीक है। एक दो सवाल और है, जैसे देख लो बोर्ड लेवल के, जैसे मान लो इसी सवाल को ऐसे भी लिख के दे सकता है आप, तो कर ही लोगे, इसमें कुछ बचा नहीं है ऐसे बताने को, कि ये एक क्यूब है, ठीक है ना, ठीक है ना, ये एक क्यूब है और यहाँ चार्ज क्यू है, पूछा बताओ इस फेस से कितना फ्लक्स बाहर आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू शेडेड फेस, ये सवाल पूछ लिया, तो यार शेडेड फेस से कितना फ्लक्स हो जाएगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन, एकदम सेंटर पर रखा है, हर तरफ से क्यू बाई एप्सिलॉन टोटल निकलेगा, तो हर फेस से क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो अच्छा सवाल एक ये बन सकता है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, अच्छा सवाल देखो एक ये बन सकता है, प्यारा सवाल, कि ये एक क्यूब है, बहुत सुंदर, साइड वही ए ए ले लो जो लेनी है, और एक चार्ज क्यू यहां रखा है कॉर्नर में, फाइंड द, ये कौन करेगा, चलो फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू क्यू फ्रॉम दिस क्यूब। अब ये अच्छा सवाल है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू क्यू फ्रॉम दिस क्यूब, चलिए सोच के बताइए, पॉज करके, क्या क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आंसर लिखना सही होगा, सेंटर पे रखा नहीं है, और मैंने बोला चार्ज क्यू में से कितना फ्लक्स निकलता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो यार वो हर डायरेक्शन में निकलेगा ना, पूरा इसमें से तो निकलेगा नहीं, पूछा इस क्यूब से कितना फ्लक्स आएगा, अब या तो मैथ्स लगाओ, है ना, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालो, ऐसे 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 ऐसे, ई डॉट डी ए ई डॉट डी ए, अरे जान निकल जाएगा, कुछ यूज करेंगे गॉस लॉ का, सिमेट्री का, ठीक है ना। एक काम करते हैं, पहले इसको क्लोज सरफेस बनाते हैं, देखो ये क्लोज सरफेस कैसे बनेगा, ये सॉलिड स्टेट का पार्ट है केमिस्ट्री का, अभी साल हटा दिया सिलेबस, अगर लास्ट ईयर आपने पढ़ा हो तो आपको पता हो कि यहाँ वाला जो एटम होता है इसको अगर सेंटर में लाने हैं तो 8 क्यूब रखने पड़ेंगे, ध्यान से देखो, एक क्यूब ये, ध्यान से देखो समझ में आ जाएगा, ये क्यूब है, यहाँ चार्ज रखा है क्यूब, एक इसके ऊपर से रखो, इसको मतलब मैं क्लोज तो करूँ, अभी ये क्लोज कहाँ है, इसको सिमेट्रिकली एकदम बड़े से क्यूब के बीच में रखने वाला हूँ, ध्यान से देखो, आराम से छोड़ दो, मैं ऊपर छोड़ दो, ये क्यूब है, एक चार्ज क्यू यहाँ, उसके ऊपर एक क्यूब और डाल दो, एक इधर से क्यूब लगा दो, एक इसके ऊपर क्यूब लगा दो, समझ में आ रहा है, एक क्यूब यहाँ से फिट करो बगल से, एक क्यूब ऊपर से, एक क्यूब उसके ऊपर से, जैसे एक क्यूब यहां से लाओ, ठीक है ना, एक क्यूब इधर से लाए, एक क्यूब ऊपर से ले आओ, एक क्यूब यहां बगल में ले आओ, देखो अब ये कुछ कुछ आपको क्यूब दिख रहा है, कुछ सेंटर में आता हुआ, बट अभी क्या दिक्कत है, ऐसे तो सेंटर में आ गया, चारों दिशाओं में देखो बराबर से चार्ज फैल रहा है, तो एक क्यूब से कितना निकलेगा, क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, पर रुको ये क्यू कहाँ रखा है, पीछे साइड में, तो यार इसके आगे की तरफ तो क्यूब्स हैं बट इसके पीछे की तरफ क्यूब्स नहीं है, इस चार्ज को देखो, ये चार्ज ऐसे चार तुमने बॉक्स बना लिए ताकि सिमेट्रिकल हो जाए, अब इस पूरे में से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट निकलेगा, इसे फैलेगा, चलो यहाँ का कहानी ठीक है, बट आगे पीछे की कहानी सही नहीं हुई, ये चार्ज देखो पीछे साइड रखा है इस क्यूब के, है ना, यानी आगे की तरफ तो ठीक है बट पीछे की तरफ तो कोई क्यूब्स ही नहीं, मतलब ऐसा ही चार डिब्बा पीछे से लगाओ तब ये सेंटर में आएगा, हैं? जो कॉर्नर वाला एटम होता है ना, इसको 8 लोग घेरते हैं, कॉर्नर वाला जो पॉइंट होता है, सॉलिड स्टेट का पॉइंट था ये, मैं कह रहा हूं कि ये तो समझ में आ गया होगा आपको, देखो हमारे पास ये कंसेप्ट है कि क्यू में से कितना फ्लक्स निकलेगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ऐसे फैलेगा हर डायरेक्शन में, एकदम 3D में एकदम बढ़िया से सिमेट्री फैलेगा, ऐसे 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 से, तो इसमें से क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, पर वो गलत है क्योंकि ऐसे तो सिमेट्री आ गई बट ऐसे तो नहीं आई, आगे की तरफ तो क्यूब है, ये चार्ज एकदम पीछे साइड रखा था ना डब्बे के, जैसे मेरे पास कोई डब्बा है मान लो, जैसे मोबाइल फोन का डब्बा बना सकते हैं, नहीं बना सकते कभी भी, जैसे मान लो ये है पेन का डब्बा है, ठीक है ये मान लो डब्बा है, तो चार्ज क्यू यहाँ पे रखा है इस जगह में, उंगली दिख रही है यहाँ, तो मेरे को पीछे से भी तो 4 क्यूब लगाने पड़ेंगे, इसे यहाँ क्यू रखा है ना, तो इधर से भी लगाओगे वरना आगे की तरफ तो जा रहा फ्लक्स, पीछे कहाँ, तो 4 आगे से 4 पीछे से 8 क्यूब जब रखोगे तो फ्लक्स थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ 8 क्यूब्स, जिनको मिला के एक बड़ा क्यूब बन गया है, अगर इमेजिन करो तो एक बड़ा सा क्यूब, इस क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट, और 8 में से एक एक क्यूब में से कितना निकलेगा फ्लक्स थ्रू, ईच क्यूब विल बी क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, क्लियर हुआ, Q
क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। अब क्लियर है ये बात, समझ में आ गई है? बढ़िया, समझ में आ गई, पक्के समझ में आ गई। इसमें एक चीज और पूछ सकता है, बढ़िया सवाल दे रहे हैं, तैयार हो। इसमें बोलता कि इस फेस में से कितना फ्लक्स निकल रहा है, फ्लक्स थ्रू ईच फेस। इसमें बच्चे गलती कर देते हैं, इसमें पक्का गलती करोगे। चार्ज वही रखा है, चार्ज कहां रखा है, सवाल वही है बीबी कि एक क्यूब है। इसमें बच्चे हमेशा गलती करते हैं, चार्ज यहां रखा है क्यू, पूछा इस फेस से कितना फ्लक्स निकलेगा। एक तो तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इंटीग्रेट करो, एक गॉस लॉ का दिमाग। तो बच्चे बोलेंगे 8 क्यूब है, हर क्यूब से निकल रहा है क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, एक क्यूब में 6 फेस होते हैं, तो यहां हो जाएगा क्यू अपॉन 8 इंटू 6 एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू बटे 48 एप्सिलॉन नॉट, विच इज रॉन्ग। देखो कंसेप्ट लगाया कि पहले तो सिमेट्री रखा, क्यूब रखा, तो हमने कहा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट निकल रहा है 8 क्यूबों में से सिमेट्री के हिसाब से, तो एक क्यूब से क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, फिर एक क्यूब में 6 फेस होते हैं, तो हमने बोला कि क्यू बाई 8 भी 6 हिस्सों में बढ़ गया, बट 6 फेस एक्सपोज कहाँ है? फ्लक्स इस वाले फेस से बाहर निकल पाएगा क्या? इस वाले फेस से बाहर निकल पाएगा क्या? इससे बाहर निकल पाएगा क्या? पीछे वाले से बाहर निकल पाएगा क्या? नहीं, पीछे भी तो क्यूब लगाया तुमने 8 ठो। फ्लक्स पता है 3 ही फेस से बाहर निकल रहा है, ध्यान से, एक इस फेस से बाहर आ रहा है, एक सामने वाले से बाहर आ रहा है, एक नीचे वाले से बाहर आ रहा है। ये वाला पीछे वाले से ढक जाएगा, ये वाला साइड वाले से ढक जाएगा, है कि नहीं? ये वाला पीछे से ढक गया, ये वाला साइड से ढक गया, और कौन सा बचा? ये वाला ऊपर वाले से ढक गया। 3 फेस तो कवर्ड है, दिस इज कवर्ड, दिस इज कवर्ड, दिस इज कवर्ड। देखो ये ऊपर वाले से कवर हो गया, यहां से फ्लक्स बाहर नहीं निकल रहा है, ये इससे कवर हो गया, यहां से फ्लक्स बाहर नहीं निकल रहा है, पीछे वाला एक और पीछे से क्यूब आ रहा है उनसे कवर है, यानी एक क्यूब के 3 ही फेस से तो फ्लक्स बाहर आ रहा है। किसी को भी उठा लो, ऊपर नीचे कोई भी, यहां वाला उठा लो, फ्लक्स कहां कहां से बाहर निकलेगा? एक यहां से बाहर निकलेगा, एक इस वाली जगह से बाहर निकलेगा, एक पीछे वाले से बाहर निकलेगा, इसके पीछे से भी नहीं निकल पाएगा, एक यहां से निकलेगा, एक यहां से निकलेगा, और बताओ इसके पीछे भी क्यूब लग रहे हैं ना, एक यहां से, एक यहां से, ये तो कवर्ड है इसका, ये सी, ये भी कवर्ड, सी ये कवर्ड नहीं है, ये ओपन, ये ओपन, ये पीछे से कवर्ड सी, और आगे वाला देखो ओपन है, 3 ओपन फेस है। समझ में आ रहा है? सोचोगे समझ में आएगा। इसमें से कितनी फेस में से निकल सकता है? एक तो ऊपर से निकल सकता है फ्लक्स, एक इस फेस से निकल सकता है, एक बाहर वाला फेस इसका खाली है, पीछे वाला तो पीछे से 4 क्यूब लगे, 3, तो हर में 3 ही 3 फेस खाली होंगे, यानी एक क्यूब में 3 ही फेस से निकल रहा है, एक क्यूब से निकल रहा है क्यूब बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, और हर क्यूब में 3 ही फेस से निकल रहा है, तो 8 इंटू 3 एंड द फाइनल आंसर इज क्यूब बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया तो बहुत बहुत बधाई। क्यूब बाई 8 तक सबको समझ में आया होगा, सिमेट्री से एक क्यूब से क्यूब बाई 8, फिर मैंने कहा एक फेस, ये सवाल अच्छा बन जाता है कि इसके एक फेस से कितना निकल रहा है, तो बच्चा पहले सोचता कहा करें कहा करें, तो पहले तो 8 क्यूब लगाओ, इसको सिमेट्री में डालो, जो कॉर्नर वाला था उसके लिए 8 क्यूब लगते हैं तभी सिमेट्री बनती है, तो एक से क्यूब बाई 8 एप्सिलॉन, मैंने कहा एक फेस से, तो उसने कहा 6 फेसेस हैं, तो 8 को फिर 6 से डिवाइड कर दिया, मतलब इस एक क्यूब के 6 फेस, तो इसको 6 से डिवाइड, नहीं 6ों से निकल कहां पा रहा है, 3 तो कवर्ड हो गए, ये वाला देखो फेस कवर्ड है, पीछे वाला कवर्ड है, ऊपर वाला कवर्ड है, सबके 3-3 ओपन है, किसी का भी इसका उठा लो, इसका उठा लो, ये क्यू चार्ज है, एक तो ये इसका फेस ओपन है साइड वाला, एक नीचे वाला ओपन है, और एक सामने वाला ओपन है, 3 है कि नहीं, इसका भी एक ये ओपन, एक नीचे वाला, एक सामने वाला, 3 है ना, तो इसको 3 से डिवाइड किया। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए अब आपको मैं एक सवाल देता हूं, मेरे को ढंग से तो उस सवाल के ऊपर पूरा एक वीडियो करना चाहिए, पर नहीं, इसी वीडियो में कवर करेंगे। सवाल यह है कि मान लो क्वेश्चन नंबर 6, मान लो, अब बता ये जो चीज बता रहे हैं इसको अप्लाई करके हम अच्छे अच्छे सवाल सॉल्व करेंगे, 2 अच्छे सवाल बनाएंगे, ठीक है। मान लो हमसे कहता है कि एक ये चार्ज क्यू है जो कि एक कोन की वर्टेक्स पे रखा है, जिस कोन का सेमी वर्टेक्स एंगल थीटा है। हमसे पूछ रहा है कि इस चार्ज क्यू में से कितना फ्लक्स कोन से निकलेगा, फ्लक्स थ्रू कोन। चार्ज कहां पे रखा है? कोन के वर्टेक्स पे। इसको पता है
फिगर्स में डालेंगे, मतलब ये ऐसा दिख रहा है, पर इस सवाल का एप्लीकेशन अच्छा होगा। ध्यान से, यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फ्लक्स, यहाँ से ऐसे 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 फ्लक्स, इतना ही फ्लक्स निकल पाएगा? पूरा फ्लक्स तो निकलेगा नहीं। यानी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज दिस इज नॉट अ गॉसियन सरफेस। चार्ज से पास कर रहा है ये क्यूब, क्या एक ये कौन, क्या एक गॉसियन सरफेस बन सकता है? हाँ या ना? नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि ये चार्ज क्यूब से पास कर रहा है ना, पास नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा था तो सिमेट्रिकल बनाओ। तो बच्चों सिमेट्री क्या होगी कि इसके अगल बगल एक स्फीयर बना दो, पूरा पूरा स्फीयर कंप्लीट कर दो। लो 3D स्फीयर का ही तो पार्ट कौन है? 3D इसी का तो पार्ट कौन है? दिमाग में सोचो स्फीयर, उसमें से बीच से सॉफ्टी काट लो। हाय हाय सॉफ्टी सल लालच आ गई, रुक जा। पूछा इसमें से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा? फ्लक्स थ्रू स्फीयर तो बताना बहुत आसान था भाई, स्फीयर सिमेट्री हो गया, चार्ज अंदर है तो क्यूब एप्सिलॉन नॉट गॉस लॉ। कौन से कितना है? तो इसका फॉर्मूला नोट करो पहले, तो फिर आगे बताते हैं। फॉर्मूला क्या है? फाई थ्रू दिस कोन, अगर चार्ज क्यू वर्टेक्स पर रखा है तो क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस कॉस थीटा, तभी लगाना जब चार्ज कोन के वर्टेक्स पे है। जैसे मान लो कभी एग्जाम में ये सवाल आ जाए तो ये नहीं कि रट के गया तो साला वही आंसर लिख के आएंगे, आंसर होगा इसका क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये नहीं कि रट के गया तो यही लिख के आ गए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि कोन के अंदर चार्ज है, यहां कोन की वर्टेक्स पे चार्ज है, बाउंड्री पे, इनक्लोज सरफेस नहीं है। यहां देखो इसमें से जितना भी फ्लक्स निकल रहा है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, पूरा कोन के अंदर से जा रहा है कि नहीं? इसमें से कितना फ्लक्स निकलेगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो पूरा कोन से निकल रहा है तब तो ये सही है। बट यहां जो फ्लक्स निकलेगा क्यूब एप्सिलॉन नॉट, कुछ यहां से निकल जाएगा, कुछ यहां से निकल, कुछ यहां यहां, ये तो कवर नहीं हो पाए, सिर्फ यही कोन के अंदर से क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस कॉस थीटा, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस कॉस थीटा, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस कॉस थीटा। इसमें मैं एक वीडियो कर देता हूँ इसकी डेरिवेशन पे, ठीक है, अभी इसको अप्लाई करो। बन सकता है वो ये है कि मान लो यहाँ पे एक सिलेंडर है, ठीक है, एप्लीकेशन है, ठीक है, और इस सिलेंडर का रेडियस है r और सिलेंडर की लेंथ है 2r, एक चार्ज q सिलेंडर के एकदम सेंटर में रखा है, एकदम सेंटर में रखा है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू क्यू एट सेंटर थ्रू कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर। चलो ट्राई करो, अगर पूछता कि सिलेंडर में से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है तो बताओ ये बात क्या लेंथ रेडियस पे डिपेंड करती? नहीं, सिलेंडर क्लोज सरफेस है, हम बोलते हैं नेट फ्लक्स कितना? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये सवाल बड़ा फेमस सवाल है, इसको मैथमेटिक्स से करो चाहे तुम मैंने अभी जो कंसेप्ट बताया उससे करो। सवाल ये कह रहा है कि कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है, कर्व में से, ये सवाल पूछ रहा है, सिर्फ कर्व वाले से बताओ। तो या तो मैथ्स लगाओ, कुछ सोचो बढ़िया सा कि ये भैया है ईसा, ये भैया ईसा, ये भैया ईसा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी ऐसी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ऐसे चली जाएगी, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, कुछ फ्लक्स यहाँ से बाहर निकल गया, कुछ फ्लक्स यहाँ से बाहर निकल गया, तो ये वाला फ्लक्स चाहिए हमको, ये जो कर्व सरफेस से बाहर जा रहा है। तो कैसे करें? देखो ध्यान से, अभी जो पहले बताया ना उसका इस्तेमाल करते हैं, ध्यान से देखो, और गॉस लॉ का भी इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए इसको यहाँ पे बताया। ये क्यू चार्ज रखा है सेंटर पे, तो बच्चों ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आर, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आर, अच्छा यही वाला फ्लक्स तो हटाना है ना, और एक ये वाला हटाना है फ्लक्स। अगर इन दो फ्लक्स को हटा दें तो बचा हुआ फ्लक्स किससे निकलेगा? सिलेंडर से। एक बात बताओ, क्या ये कोन दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। इस कोन का तुम सेमी वर्टेक्स एंगल बता सकते हो? आसान है, आसान है भाई साहब, ये आर है, इसका रेडियस भी आर है, आर एंड दिस लेंथ इज अगेन आर,
सो बच्चों ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। यहाँ पे देखो ये लेंथ r, ये रेडियस r, दिस इज r, दिस इज r, तो ये एंगल कितना हो गया 45, यानी दोनों कोल का सेमी वर्टेक्स एंगल 45। तो फ्लक्स थ्रू कोन आपने पढ़ रखा है, देखते जाओ समझ में आएगा, q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द सेमी वर्टेक्स एंगल, कितना है 45। तो q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस 45, यानी q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाई रूट 2, ये फ्लक्स हो गया एक कोन से। सो फ्लक्स थ्रू टू कोन्स, इसका डबल कर दो, तो डबल करोगे तो आएगा q बाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाई रूट 2, ठीक है ना। तो इतना फ्लक्स ऊपर और नीचे से निकल गया। फ्लक्स थ्रू सिलेंडर कितना है बच्चों, फ्लक्स थ्रू कंप्लीट सिलेंडर विच इज क्लोज सरफेस, गॉस लॉ लगाओ, टोटल चार्ज अंदर q, q बाई एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स ऊपर नीचे से कितना लीक कर गया, इतना बचा हुआ फ्लक्स कहां से जाएगा, कर्व सरफेस से। भाई इसके बाद जितना भी फ्लक्स बचा, इसके बाद जितना भी फ्लक्स बचा वही तो कर्व सरफेस से जा रहा, जो डॉटेड में दिखा रहा। यानी अगर मुझे कोई बोले फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, तो मैं क्या करेगा, मैं कहेगा फ्लक्स थ्रू होल क्यूब या होल सिलेंडर, टोटल सिलेंडर, माइनस फ्लक्स थ्रू टू कोन्स, इन दो कोन्स का फ्लक्स हटा दूं तो बचा हुआ तो इसी से निकलेगा। टोटल फ्लक्स कितना है, q बाई एप्सिलॉन नॉट, कोन से कितना निकला, q बाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाई रूट 2, हो गया, दैट इज द आंसर। यहां अंदर ले जाओगे तो q बाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस, फाइनल आंसर विल बी q बाई रूट 2 एप्सिलॉन नॉट। बोलो आया मजा, कोन का इस्तेमाल किया, इतना फ्लक्स इस कोन से, इतना फ्लक्स इस कोन से, टोटल फ्लक्स क्यूब एप्सिलॉन नॉट, इसमें से ये हटा दो। कोन के लिए याद रखो कि सेमी वर्टेक्स एंगल का इस्तेमाल करना है, क्यूब बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, डेरिवेशन हम दिखा देंगे अभी इसका एक वीडियो में, लिंक नीचे दे देंगे, क्लियर है, हो सकता हो आज दें, हो सकता हो कल दें, ये बनाना पड़ेगा वीडियो। बात क्लियर हो गई, एक और सवाल समझ में आया कि नहीं, हमसे पूछा सिलेंडर के कर्व्ड में से कितना फ्लक्स निकला, हमने कहा यार ये तो पता नहीं, हमें पूरे सिलेंडर का पता है q by epsilon not, अच्छा ठीक है, तो हम एक काम करते हैं इसमें से कोन वाला हटा देते हैं, मतलब ये वाले सरफेस का, ये वाले सरफेस का हटा देते हैं, तो जो बचेगा वो इसी का होगा, तो ये वाले काम ने निकाला q by 2 epsilon 1 minus cos theta d 45, फिर दोनों काम नहीं निकाल लिया, डबल टोटल का है q by epsilon not, उसमें से वो माइनस कर लिया, बचा हुआ कर्व सरफेस का, मिटा दे, क्लियर है, माइनस करोगे क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, माइनस माइनस प्लस क्यू है, तो ये क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। चलो इसी तरह से एक सवाल आपको और दिखाएं, जैसे मान लो अपने को सवाल दे दिया, ठीक है, ऐसा सवाल ले रहे हैं जिसमें गॉस लॉ भी अप्लाई हो, ये मान लो अपने को एक सुराही दे दी, ठीक है, सुराही, सुराही से बोला कि इसका ये बोला ये जो रेडियस है ये हमसे बोला कैपिटल आर, बोला इससे एच हाइट नीचे एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, एच हाइट नीचे, ठीक है, फाइंड द फ्लक्स ड्यू टू क्यू थ्रू कर्व्ड सरफेस ऑफ कंटेनर, अब जो भी कंटेनर है, सुराही है, जो भी कर्व सरफेस में से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, यहां से यहां से यहां से, ये वाला फ्लक्स हटाना है। अब देखो अगर गॉस लॉ लगाओगे तो फ्लक्स पूरे में से आएगा, भाई 3D सरफेस है, कोई सिमेट्री मिट्री तो है नहीं, पहली बात तो है ना, तो ऐसा तो कह नहीं सकते कि ऊपर से क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आधा नहीं, भाई वो चार्ज ऊपर भी खिसक के रखा है, सिमेट्री तो नहीं है। अब देखो अगर गॉस लॉ लगाओ तो इस पूरे फ्लक्स थ्रू दिस कंप्लीट कंटेनर विल बी क्लोज्ड है, यस, चार्ज क्यू इनसाइड, यस, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें से फ्लक्स निकला क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये पूरे में से बाहर निकल रहा है। अच्छा हमें चाहिए एक कर्व में, एक काम करो अगर ये वाला फ्लक्स हम हटा दें, अगर ये वाला फ्लक्स हम हटा दें जो इसमें से फ्लक्स बाहर निकल रहा, तो कर्व का ही तो फ्लक्स बचेगा। अगर हम निकाल लें फ्लक्स थ्रू दिस कोन, कोन का क्या है q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट
वन माइनस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज सेमी वर्टिकल एंगल, ये थीटा। यहां से कॉस थीटा निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाल सकता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस एच अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। भाई पाइथागोरस लगा दोगे, यहां से कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आपको कोण का फ्लक्स मिल गया q बाई टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस एच अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस निकालना है, समझ गए होगे क्या करोगे, फ्लक्स थ्रू कंटेनर माइनस फ्लक्स थ्रू दिस कोनिकल सरफेस। इसमें से जितना फ्लक्स निकल गया उसको हटा दो, बचा हुआ फ्लक्स देखो कर्व सरफेस से बाहर आ रहा है, टोटल फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट था, ये वाला हटा दिया। अब इसके बाद तो कैलकुलेशन है, मतलब वैल्यूज रख दो, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस कॉस थीटा नहीं पता निकाल लिया अंडर रूट एच, बोलो आ गया। तो इस तरह से ये कोन वाली चीज का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, फील आया कोन वाले का यूज कैसे करना है, फील हो गया। तो गॉस लॉ में इतनी ही बातें थी, मैंने हर तरह के क्वेश्चन कराए और एक डेरिवेशन छोटी सी है वो हम लोग कहीं देख लेंगे। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।